अब हम ट्रांजेक्शन में देखते हैं परचेज़, तो परचेज़ पर क्लिक करेंगे, बिल नंबर डालेंगे, यहाँ पर पार्टी और कंपनी का नाम, यहाँ से हम अपनी नई पार्टी ऐड भी कर सकते हैं, कीजिए कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए, और सेव कर दीजिए, यहाँ पर आइटम कोड डालिए और एंटर कीजिए, यहाँ पर आइटम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और ऐड कर दीजिए, यहाँ पर बिल अमाउंट, यहाँ पर कोई अदर चार्ज हो, और अगर सेव करना है तो सेव पर क्लिक कीजिए, और अगर हमें बार कोड भी प्रिंट करना है सेव एंड प्रिंट बार कोड पर क्लिक कीजिए।